Hey, good morning, welcome to another special vlog. This is Utkarsh Singh, you're watching me on my channel GM Tara. तो फिलहाल यार अभी मैं जा रहा हूँ पेपर देने के लिए। जैसे डी यू एस ओ एल के पेपर स्टार्ट हो गए हैं तो आज मेरा सेकंड पेपर है। पहला पेपर मैंने दे दिया, आज इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर है। बता दूँ इस बार मेरा सेंटर जो है वो मोतीलाल नेहरू कॉलेज पर हुआ है, ये धौलाकुआ में है। पिछली बार हंसराज कॉलेज पर हुआ था और इस बार मैं जा रहा हूँ भाई बस से, क्योंकि बस डायरेक्ट यहाँ से उसी रूट से जाती है, कॉलेज वाले रूट से। तो भाई जैसे कि बहुत से नॉन रेगुलर वाले बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं कि भाई पेपर में हम चीटिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो भाई देखो थ्योरी वाला पेपर है, अगर आप थोड़े से भी पढ़ के जा रहे हो ना, ऊपर ऊपर से भी देख रहे हो, ओवरव्यू ले रहे हो कि आखिर क्या है चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पे बना के लिख सकते हो भाई आराम से, चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी भाई सारे बच्चे लिखते रहते हैं तो कोई बताने को रेडी भी नहीं होगा, और पकड़े गए तो वैसे भी पंगा है भाई 5 साल तक, यू कांट गिव पेपर। तो इट्स बेटर कि भाई पढ़ के जाओ थोड़े बहुत ही और मस्त लिख के आओ। और नीरज भाई क्या हाल, कहाँ जा रहे हो? पार्क रनिंग करने? हाँ। शाम को नहीं जाता? जाता हूँ। तो शाम को भी और अभी भी? हाँ। दोनों टाइम भाई रनिंग, क्या बात है। कितना किलोमीटर? बीच वाला पार्क है, बीच वाला। हाँ। उसकी 10 राउंड लगाता हूँ बिना रुके, 10 राउंड। अच्छा 10 राउंड मतलब वो हो गया 5 किलोमीटर। भाई इस बारी तो मेरे को बहुत भागना है यार, फिर पेपर देने के बाद फिर शाम को जाके ट्रेन पकड़नी है, क्योंकि शादी में जा रहा हूँ इस बारी, दीदी की शादी है। पेपर देने के बाद जस्ट मेरे को भागना है, और ऊपर से टिकट है भी नहीं, टिकट है लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में है। भाई तो फिलहाल कॉलेज पहुंच गया, यहाँ पे कितनी भीड़ है। ये है भाई मोतीलाल नेहरू कॉलेज साउथ कैंपस। भाई इस बार अपने को जाना है PC5 में। PC5 इनका कहाँ पे मिलेगा? पिछली बार तो मैं घूमता रह गया था, अपने ब्लॉक ही ढूंढ नहीं पाया था। PC5। ये जे ब्लॉक है, जे ब्लॉक बोले तो जुबली नाम इसे प्रोनाउंस करते हैं, मैंने वर्ड ढंग से पढ़ा नहीं। रामलाल का कुत्ता पता है कहाँ है? रामलाल कहाँ पे है? रामलाल इसके साइड में है, तिलाल के साइड में है रामलाल कॉलेज। एक्सक्यूज मी सर, PC5 कहाँ पे? PC5 बता दे इधर, तो वो दिख रहा है उसके सामने 1 2 3 4 5 वहाँ पर दिख रहा है ना। पिछली बार देने आया था तो ऐसा लगा हंसराज के भाई इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही नहीं, मोतीलाल ये काफ़ी सही है। इस बारी क्या कटारे रूम में बैठा दिया यार, पर चलो पेपर देने से मतलब है, रूम से क्या मतलब है। पिछली बार सही रूम में बैठाया था ना, तो मेरे को लगा शायद मोतीलाल ये काफ़ी बढ़िया है। फाइनली पेपर इज कम्प्लीटेड, अब चारों भाई घर। इतनी गर्मी और इतना हालत खराब हो गया भाई पेपर लिखते लिखते, इसमें लिखना बहुत पड़ता है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन लिखना बहुत पड़ जाता है यार। भाई एक चीज़ तो सही हुआ, आज वेट नहीं करना पड़ा, बस मतलब आते ही बस मिल गई, बस खाली है। फाइनली भाई घर पे आ गया, अब भाई मेरे को फटाफट बैग इज रेडी, फटाफट खाना खाता हूँ। खाना यार क्या बताऊँ, तो घर वाले अभी गांव गए हुए हैं, दीदी की शादी है इसलिए खुद ही बना के खाया था, लेकिन अभी भाई दिन के बज रहे हैं 1:30 तो मैं बाहर जाके खा के आऊंगा, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को ट्रेन है तो मैं अभी जा रहा हूँ गाँव। ठीक है, बैग वैग तो मैंने पैक कर लिया है, सारा सामान रख लिया है, जा सिम सिम। तो चलो भाई अब आते हैं लंच करके, और पास में जाना है तो मैं अरे मैं इससे नहीं जाऊँगा, इसका नाम मैंने यार रख दिया है जंगली, पहले बीस्ट सोचा था लेकिन जंगली रख दिया। आप इंस्टा पे देखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे झलक आया होगा तो मैं ब्लर मार दूँ। फिलहाल इससे आता हूँ भाई मैं खाना, मैंने शॉर्ट पहन लिया यार, कड़क धूप है ना, टैनिंग से बचने के लिए खा लेते फटाफट। भाई 30 मिनट के नैप ने बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया, खाना खा के उसके बाद मैं सो गया था आके, अब जा रहा हूँ सीधा रेलवे स्टेशन, उसके बाद सीधा अपने गाँव। मज़ा आता है यार, अलग ही खुशी मिलती है अपने गाँव में। फाइनली एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। भाई कितनी भीड़ है यार, मैं तो सीधा जाके लेट जाऊंगा यार, सुबह से घूमे जा रहा हूँ, मेरा तो सिर दुख रहा है भाई। किधर है B6 आगे है, मेरा B3 फट जाएगा दिमाग मेरा। अब करते हैं जर्नी की शुभारंभ, वाओ
सीट मिल गई भाई, मस्त लेट के जाएंगे। तो फाइनली भाई संभव सीट मिल गया। अब यहाँ पे थकान को भाई उतार देंगे। सुबह से घूमे जा रहे भाई, इधर से उधर, लेकिन चलो लकली वेटिंग लिस्ट में भाई सीट थी, लेकिन संभव मैनेज करके कंफर्म सीट मिल गया। अभी मैं लेटा हूँ, ट्रेन भाई निकल चुकी है न्यू दिल्ली से, सुबह मिलते हैं फिर पटना में और देखते हैं वहाँ पे किस तरह भाई धूप है, गर्मी है। यहाँ की गर्मी तो हमने देख लिया भाई, हालत खराब होती है। हैप्पी जर्नी, मिलते हैं आपसे कहा पटना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बस अब लगभग 1.5 घंटे बाद पहुंच जाएंगे अपन पटना जंक्शन, देन फिर भाई घर चलते हैं, ठीक है। अब तक की जर्नी भाई काफ़ी बढ़िया रही, अब पटना से घर जाने की जर्नी भी काफ़ी बढ़िया रहेगी, तो होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। सूर्य देवता निकल चुके हैं भाई, भाई बहुत खतरनाक गर्मी है यार। फाइनली पहुंच गया, अब यहां से मेरे को बस चेंज कर करके जानी है भाई, इस गर्मी में हालत खराब हो रही है, लेकिन आई लव एडवेंचर। ये है भाई पटना, देख लो जरा, और ये रही बस। अब इस बस से जाना है, एक स्टैंड है वहां पे, वहां से पकड़ के फिर मैं घर जाऊंगा। इसी में तो मज़ा आता है, पुरानी यादें ताज़ा होगी भाई। बहुत टाइम बाद यूँ ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत टाइम बाद, बचपन में करा था भाई। भाई एक चीज़ दिखाऊँ, बिहार के जो फेमस है लिट्टी चोखा, भाई पहुँच चुके हैं। अब ये ऊपर की तरफ चढ़ के जाना है, बस ऊपर आती है, भागो भागो भागो, बस कहाँ जाएगी? हाजीपुर। फातेपुर जाने वाली कौन सी है? हाँ पीछे वो है आइला, जो बस मेरे को घर लेके जाएगी, वो तो अभी आई नहीं है। फातेपुर जाएगी, फातेपुर फातेपुर पकड़ा जाएगी, फातेपुर जाएगी ये बस। वो बस कब आएगी यार? फाइनली भाई बस मिल गई और सीट भी मिल गई। एक और चीज देखो भाई, ये यूनिक है भाई, यूनिक। सबसे आगे फिल्म चल रही है, फिल्म पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है भाई ये देख के। भाई जरा इस बस को तो देख लो, अतरंगी बस है भाई, अतरंगी, रंग बिरंगी कह लो, रंग बिरंगी। डिफरेंट कलर के शेड है, और मैं कंडक्टर को दिखाता हूँ। आपने अगर प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा, शिवम चौक गया था कंडक्टर को देख के, तो वो इसलिए चौका था क्योंकि यहाँ के जो कंडक्टर होते हैं ना, वो गमछे वमछे रख के चलते हैं, और शिवम ने देखा था दिल्ली में, जहाँ की भाई वो स्मार्ट कंडक्टर था, तो चौक गया, अरे ऐसे भी कंडक्टर होते क्या, क्यों कह रहा था। अरे यार भाई ये वीडियो बन रहा भाई, वही है कंडक्टर। हाँ भाई मैं समझ गया, हाँ टिकट लेके आया हूँ भाई। ये देखो कंडक्टर, शिवम इसी को देख के चौंक गया था भाई। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पटना पुल, और ये जो पटना पुल है ना, वो आई गेस 5 किलोमीटर लंबा है, इसको गांधी सेतु भी बोलते हैं। अबे पानी बिल्कुल सूखा हुआ है, जो भी एरिया दिख रहा है ना, ये रेत रेत सा भाई, पानी से ढका रहता है ये सारा, पानी रहता है यहाँ पे भरा हुआ, तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता होगा। अब क्योंकि ये 5 किलोमीटर लंबा है, मतलब यूँ पुल लंबा है। और जनाब ये देखो भाई, जनाब क्या हाल समाचार, बढ़िया? ओहो गाँव की मफलर बांध के आना पड़ा, गाँव गाँव वाली लुक, क्या बात है क्या बात है। नाम बताओ, ऐसे देखो कब से पूछे जा रहा हूँ, नाम नहीं बता रही। ओए नाम बताओ, नाम बताओ,
तो उल्टा लटका दूंगा। क्या नाम है? ओए किधर किधर राजा। वेरी गुड गुड सर। अब तो आपको बता दिया जाए तो आई गेस ये लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद तो कल विदा हो जाएगी, रो रो के चली जाएगी। ये देखो दिखाऊंगा कल, नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा कल जब प्रॉपर सज धज के रेडी होंगे। उसके बाद हमारे साथ भाई हमारे पोएट भी मौजूद है, इधर है साइड में बैठे हुए, हमारी बहना सर इधर है, ठीक है, इनकी शादी होने वाली है हमारी दीदी। ओहो कल के बाद फिर गायब। ये रहे बाद में टू बी कंटिन्यूड शादी के फोकस। ये छोटी बहन है एक और वीडियो के चक्कर में बिगाड़ bike. Very good, very good. Keep it up. अगर ये गुण आपके अंदर है तो फिर आप महादेव का भक्त हो सकते हैं। इधर का बात उधर कर दिए, उधर का बात उधर कर रहे हैं तो आप महादेव का भक्त कतई नहीं हो सकते। कार्तिक गणपति नीलन तोरण